हे गाइस, रियलमी फैंस, रियलमी यूजर्स के लिए गुड न्यूज़ है। अब डेवलपर्स का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है रियलमी फ़ोन्स को। रियलमी 2 प्रो से ये स्टार्ट हुआ था, कुछ डेवलपर्स ने अपना सपोर्ट दिखाया, फिर रियलमी 3 प्रो और अब रियलमी एक्स में ऑलरेडी बहुत सारे कस्टम रॉम्स अवेलेबल हो चुके हैं। गाइज, ये फ़ोन जो है अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी आपको ऑलरेडी इसमें कई सारे कस्टम रॉम्स देखने को मिल जाएगा। चाहे पिक्सल एक्सपीरियंस की बात करूँ, लीने जो इसकी बात करूँ, कैंडी रॉम, हेवा कोइस, रिजरक्शन रिमिक्स और इवन कस्टम कर्नल भी रियलमी एक्स के लिए अवेलेबल हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाइज, पहले शॉमी के फ़ोन्स में हमें ये देखने को मिलता था, शॉमी का कोई भी फ़ोन हो उसे कस्टम रॉम्स देखने को मिल जाता था, लेकिन अब जो है रियलमी के फ़ोन्स को भी डेवलपर्स का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गाइज, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी एक्स में पिक्सल एक्सपीरियंस मैंने इंस्टॉल किया है और इसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ है मेरा, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और इंस्टॉलेशन के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी। रियलमी एक्स में पिक्सल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग। करीब मैंने फ्लैश किया था, चाहे फ़ोन कॉल्स की बात करूँ, डेटा की बात करूँ, वाईफाई, ब्लूटूथ ऑडियो, SMS, रियर एंड फ्रंट कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड की बात करूँ, स्पीकर, हेडफोन, सब कुछ मैंने ट्राई करके देखा, मुझे कहीं भी कोई इशू नहीं दिखा। और रोम जो है काफ़ी स्मूथ है, मैं आपके सामने ही रोम आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। गेम जो है मैंने थोड़ी देर ही खेल कर देखा, 10 से 15 मिनट, तो ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे कोई भी इशू गेमिंग में भी नहीं दिखा। पिक्सल एक्सपीरियंस मतलब प्योर स्टॉक एक्सपीरियंस, यानी आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या कस्टमाइजेशन ऑफर करता है ये रोम, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फटाफट, उसके बाद रोम इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस, डिस्प्ले सेटिंग में आपको नाइट लाइट, अडैप्टिव ब्राइटनेस, लाइव डिस्प्ले एंड एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, आपको डार्क थीम एंड ब्लैक थीम दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो है आप डार्क थीम के साथ वाइट और ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हो, यानी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गाइस, बहुत सारे आपको एक्सेंट कलर भी इस रोम के साथ देखने को मिल जाएगा, यानी आप डार्क थीम के साथ अलग अलग एक्सेंट कलर भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा आपको सिस्टम सेटिंग्स में बटन कस्टमाइजेशन, स्टेटस बार, जेस्चर कस्टमाइजेशन जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड डिजिटल वेलबींग भी इस रोम में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, सिस्टम वाइड डार्क मोड बहुत ही अमेजिंग लगता है रियलमी एक्स के साथ एंड कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स में भी डार्क मोड अप्लाई हो जाता है एंड साथ साथ कुछ सिस्टम के ऐप्स में भी। गाइस, जी कैम भी इसमें काम करता है, फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों काम करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो 4K तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड गाइस, मैंने कुछ फोटोज़ भी लिया है, आप देख सकते हो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो जी कैम मैंने अभी इसमें ट्राई किया है वो इसके लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं बोलूँगा, आप कुछ दूसरा जी कैम भी ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस, सिक्योरिटी सिस्टम की बात करूँ तो फेस अनलॉक आपको स्मार्ट लॉक के अंदर देखने को मिल जाएगा। जब आप फ़ोन सेटअप करोगे और उसके बाद स्मार्ट लॉक ओपन करोगे तो आपको उस वक्त ट्रस्टेड फेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद वापस से ट्राई करना तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, ऑटो फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना क्विक नहीं है जितना आपको स्टॉक रोम में देखने को मिलता है, लेकिन आपका काम चल जाएगा। एंड गाइस, फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करो तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लोचा मुझे देखने को मिला सेटअप के टाइम पे, या फिर बाद में भी आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन टच करने पे मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया है कि फिंगरप्रिंट उनका काम नहीं कर रहा है और कई लोगों ने कंफर्म किया है कि उनका फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। अब रोम कैसे फ्लैश करना है एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, शायद उसे ट्राई करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट सेंसर काम करने लगे। अगर आपका फिंगरप्रिंट काम करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रोम आपके लिए ऑलमोस्ट डेली ड्राइवर बन सकता है। वैसे मैंने इसे डिटेल में चेक नहीं किया क्योंकि कल रात ही मैंने इसे इंस्टॉल किया, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, बैटरी लाइफ के बारे में एंड हीटिंग इशू के बारे में, और बैंकिंग ऐप्स भी मैंने अभी तक इसमें ट्राई नहीं किया, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें मैंने ट्राई की जिसके बारे में आपको बताया, इसमें मुझे कोई भी इशू अभी तक नहीं दिखा। कस्टम रोम फ्लैश करने का दो कारण होता है, एक स्टॉक एक्सपीरियंस और दूसरा अगर कंपनी की तरफ से सपोर्ट ना मिले अपडेट का तो आप कस्टम रोम इंस्टॉल करके नया एंड्रॉयड वर्जन ट्राई कर सकते हो। तो मेरा इस वीडियो को शेयर करने का आप लोगों के साथ मकसद ये है कि आपको ये रोम अभी के अभी इंस्टॉल करना है ऐसा नहीं है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फ्यूचर के लिए आपका डिवाइस सिक्योर हो चुका है, चाहे रियलमी आपको अपडेट ना दे लेकिन आपके डिवाइस के लिए कस्टम रोम्स अवेलेबल हो चुके हैं। फ्यूचर में एंड्रॉयड 10 के बाद एंड्रॉयड 11 का कस्टम रोम भी आपके डिवाइस को देखने को मिल जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है।
गाइस, रोम फ्लैशिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप करोगे अपने रिस्क पे करोगे, आप मुझे ब्लेम नहीं करना, ओके? तो गाइस, बूटलोडर अनलॉक करना आपका पहला स्टेप होगा, और उससे पहले आप अपने सारे डेटा का बैकअप ले लेना, उसे पीसी या लैपटॉप में रख देना, ओके? और उसके बाद मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका लिंक आपको इसी पोस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऐप ओपन करना, आपको दिखेगा इन डेप्थ टेस्ट, स्टार्ट अप्लाइंग, ओके? आपको जो भी कंडीशन लिखा है उस पर टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट हो जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 10-15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे। मुझे 5 मिनट में कन्फर्मेशन मिल गया था, और रिव्यू सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पे जो एक लाइन दिख रहा है स्टार्ट द इन डेप्थ टेस्ट, उस पर टैप कर देना, बैक पे नहीं, उसके ऊपर वाले लाइन पे। जैसे ही आप टैप करोगे आपका फ़ोन जो है वो बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। फास्ट बूट मोड में जैसे ही आपका फ़ोन बूट हो जाता है, आपको अपने लैपटॉप या पीसी से फ़ोन को कनेक्ट करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और उसके बाद आपको एक कमांड टाइप करना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लाइन फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक, ये लाइन आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद एंटर बटन हिट करना है। फिर आपके फ़ोन में आपको एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें दो ऑप्शन होगा, आपको बूटलोडर अनलॉक करना है या नहीं। आपको वॉल्यूम बटन से चूज़ करना है येस और नो, और उसके बाद पावर बटन से कंफर्म कर देना है, यानी वॉल्यूम से सेलेक्ट एंड पावर से कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करोगे फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, सारा डेटा रिमूव हो जाएगा और आपका बूटलोडर अनलॉक हो जाएगा। बूटलोडर अनलॉक हो जाने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके डिवाइस में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यही रिकवरी ट्राई करना, मैंने इसे ही इंस्टॉल किया है, और कई सारे कस्टम रॉम्स में मैंने देखा है रिकमेंड किया गया है यही कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए, ओके? तो ये एक .img फाइल है, इसे डाउनलोड करने के बाद ADB फास्टबूट, मिनिमल ADB फास्टबूट वाला जो फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर रख देना। फ़ोन को स्विच ऑफ करना, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, ओके, दोनों को प्रेस करना, फास्टबूट मोड में आपका डिवाइस एंटर हो जाएगा। उसके बाद केबल की मदद से लैपटॉप या PC से कनेक्ट करना, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना और टाइप करना फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, रिकवरी का नाम TWRP 3.3. जो भी है यहाँ पे उसे टाइप करना, एंड में .img टाइप करना और एंटर बटन हिट कर देना। दैट्स इट, आपका रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगा। गाइज, अब आपको डाउनलोड सेक्शन में दो फाइल दिखेगा, दो फाइल आपको डाउनलोड करना है। चाइनीज़ वर्जन मत करना, ग्लोबल वर्जन करना, एंड जी एप्स करने की ज़रूरत नहीं है फ्लैश, क्योंकि ये इंक्लूडेड है। और उसके बाद vbmeta.img फाइल, ये दो फाइल आप डाउनलोड कर लेना। रोम फ्लैश करने के बाद जैसे ही आप फ़ोन को रिबूट करोगे और बार बार ये रिबूट होता जाएगा, बूट लूप होता जाएगा, या फिर फास्ट बूट मोड में वापस आ जाए, तो उस केस में अगर बूट नहीं होता है फ़ोन, तो आपको vbmeta.img फाइल जो है ये फ्लैश करना पड़ेगा, जिस तरह आपने कस्टम रिकवरी फ्लैश किया, ओके? तो ये फाइल आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे जो मिनिमल ADB फास्टबूट फोल्डर है उसमें डाल देना, फ़ोन को फास्टबूट मोड में ले जाना, एंड उसके बाद लैपटॉप या PC से कनेक्ट करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, इसे कॉपी पेस्ट करके एंटर बटन हिट कर देना। तो गाइस, फ़ोन को करते हैं रीस्टार्ट टू रिकवरी। वैसे मैं आपको ऑफ करके फिर रिकवरी मोड में कैसे जाना है वो दिखाता हूँ। वॉल्यूम डाउन, पावर बटन, फास्ट बूट मोड, वॉल्यूम डाउन, रिकवरी मोड, प्रेस पावर बटन, ये आ गया अपना रिकवरी। मैंने पासवर्ड डाला हुआ था इसीलिए। ओके, तो ये हो गया रिकवरी। सबसे पहला आपको काम करना है बैकअप ले लेना है, बूट, सिस्टम इमेज, मॉडेम, EFS, वेंडर का खास तौर पे आपको बैकअप ले लेना है। और याद रखिए, रोम फ्लैश करते वक्त सब कुछ वाइप करना, गलती से भी वेंडर इमेज फ्लैश वाइप मत करना। ओके, अब स्वाइप टू बैकअप। बैकअप लेने के बाद रीस्टोर वाले फोल्डर में आपका सारा फाइल आ जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप वापस से इसे रीस्टोर कर पाओगे। तो गाइस, बैकअप ले लेने के बाद आप पूरे फाइल को अपने लैपटॉप या PC में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ेगा, अभी आपको सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो बैकअप हमने ले लिया। अब वाइप पे जाना है, डालो एक कैश सिस्टम डेटा, वाइप,
वाइप करने के बाद एक बार फॉर्मेट डेटा भी कर देना, यस टाइप करके। उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल पे, पिक्सल एक्सपीरियंस, एंड सिंपली आपको रोम फ्लैश कर लेना है। फ्लैश करने के बाद फ़ोन रिबूट करना, रिबूट हो जाता है फ़ोन, सेटअप हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, तब आप VB मेटा फ्लैश मत करना। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, फ़ोन बूट लूप हो जाए, फ़ोन बार बार फास्ट बूट मोड में वापस आ जाए, तो एक बार VB meta.img फाइल फ्लैश कर लेना। तो गाइस, रोम मैंने कल फ्लैश किया, VB meta भी मैंने फ्लैश कर लिया। वैसे मैंने बूट लूप का वेट नहीं किया था, साथ ही फ्लैश कर लिया था रोम फ्लैश करने के बाद ही, तो शायद मैंने कुछ गलती की, लेकिन इंस्ट्रक्शन यही था कि अगर बूट लूप हो तो आप फ्लैश कर लेना। तो मैंने पहले ही फ्लैश कर लिया फ़ोन रीस्टार्ट करने से पहले, और जब फ़ोन रीस्टार्ट किया, सेटअप किया, तो मुझे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखा, लेकिन मैं एक्चुअली से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट, एंड कहीं भी मुझे टच करने पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ओके, तो एक बार आप भी ट्राई करना कि आपको भी ये इशू देखने को मिल रहा है या नहीं। मैं इसका कोई उपाय देखूंगा, फिर से एक बार ट्राई करूंगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी। Realme X के कस्टम रोम्स पे और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए iPhone Unboxed।